अपना वीक फोर का सिलेबस। सबसे पहला टॉपिक हमारा है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट इज द केस दैट कंटेन्स डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। सिस्टम यूनिट में आपके पास डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, यही आपने इसकी डेफिनेशन बतानी है कि इट कंटेन्स डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड फॉर टू प्रोसेस डाटा। ऑल द कंप्यूटर सिस्टम हैव अ सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक और मेटल टू प्रोड्यूस सॉरी टू प्रोटेक्ट द कंपोनेंट्स इनसाइड इट। अ सिस्टम यूनिट टिपिकली कंटेन्स मदरबोर्ड, प्रोसेसर, मेमोरी, हार्ड डिस्क एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। दैट इज एनफ फॉर सिस्टम यूनिट डेफिनेशन। मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ साथ। इसके अंदर मदरबोर्ड होता है, प्रोसेसर होता है, ये आपके पास गिवन है। जैसे ये देखिए, ये जो मेन चकोर सा बोर्ड है ये मदरबोर्ड है, उसके अंदर ये पार्ट प्रोसेसर है। उसके अलावा ये इस प्रोसेसर के ऊपर फैन लगा हुआ होता है, ये इसकी रैम है मेन मेमोरी, ये इसके अंदर पावर सप्लाई है, ये हार्ड डिस्क है, और इस तरह ये डिफरेंट आपके पास कार्ड्स होते हैं, ये ग्राफिक कार्ड है, और ये एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं जिनके अंदर आप ये कार्ड्स जो हैं वो इंस्टॉल करते हैं, पुट करते हैं। तो ये आपका पहला टॉपिक हो गया मेन जो था सिस्टम यूनिट। नेक्स्ट आपके पास अब अपने डिटेल से आपने आगे डेफिनेशन देखनी है मदरबोर्ड की और उसके बाद सीपीयू की। मदरबोर्ड के टॉपिक पे आ जाते हैं। मदरबोर्ड इज अ कम्युनिकेशन मीडियम फॉर द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। इट इज द मेन सर्किट बोर्ड। आपने यहाँ से इसको याद रखना है, यहाँ से इसका बेसिक डेफिनेशन स्टार्ट होती है। इट इज द मेन सर्किट बोर्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। इट इज आल्सो नोन एज सिस्टम बोर्ड और मेन बोर्ड। ऑल द कंपोनेंट्स और डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आर कनेक्टेड टू द मदर बोर्ड। तो ये बेसिकली आपके पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मदर बोर्ड के बारे में। इसको मैं एक्सप्लेन भी साथ कर देती हूँ। मेन बोर्ड होता है और जितने भी इनसाइड छोटे छोटे तमाम डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होने चाहिए, और वो कौन से डिवाइसेस है अभी मैंने आपको पिछले फिगर में दिखाए हैं, वो सब के सब मदर बोर्ड के साथ अटैच्ड होते हैं। और इनके में से कुछ डिवाइसेस के नाम आप जरूर लिखते हैं, जैसे पोर्ट, एक्सपेंशन स्लॉट, डिवाइस ड्राइवर, बायोस, तीन चार चीजों के नाम यहाँ पर आप लिखते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में आपने इसको मेंशन नहीं करना। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है सीपीयू। नेक्स्ट पेज पे ये आ गया। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये जरूर मेंशन करेंगे। इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये भी बताना है। और उसके अलावा आपने बताना है सीपीयू इज लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड, इट कैरीज आउट मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू परफॉर्म्स ऑल द ऑपरेशंस ऑन डेटा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस, इट एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस एंड टेल्स अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर व्हाट टू डू। ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है आपने कंप्यूटर सीपीयू का जो बताना है कि बेसिकली जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट होती हैं, बाकी तमाम जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो आपके पास इसको हेल्प आउट करने के लिए होते हैं। तो ये पार्ट हो गया आपका सीपीयू के लिए। जो मैं टेक्स्ट इसमें स्किप कर रही हूँ, डेफिनेटली आपने उस टेक्स्ट की डिटेल में नहीं जाना, यहाँ बहुत ज्यादा डिटेल है। नेक्स्ट आपने इसके टाइप जरूर देखनी है कि आपके पास दो मोस्ट कॉमन है जो सीपीयू की आपके पास टाइप्स हैं, ड्यूल कोर है और क्वाड कोर है। ड्यूअल कोर के अंदर आपके पास दो सेपरेट प्रोसेसर्स होते हैं और क्वाड कोर में आपके पास फोर सेपरेट प्रोसेसर्स होते हैं। ये फोर सेपरेट प्रोसेसर्स जो हैं वो मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना देखते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। इसके बाद आपके पास ALU है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में सबसे पहले तो आपने इसकी एब्रिवेशन बतानी है कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और फिर आपने बताना है कि इसके दो पार्ट्स होते हैं। ALU इज द पार्ट ऑफ CPU, एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक प्लेस इन दिस पार्ट। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन ALU। इट कंसिस्ट ऑफ टू फॉलोइंग यूनिट्स, ये कंप्लीट आएगा जब भी आपको अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट पे कोई भी नोट लिखने के लिए आता है। तो अरिथमेटिक यूनिट को आप एक्सप्लेन करेंगे, इसमें तमाम बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं।
अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और जो लॉजिकल यूनिट होता है हमारे पास वो लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, एंड और नॉट, और इस तरह जो डिसीजन मेकिंग है वो लॉजिकल यूनिट में परफॉर्म होती है. नेक्स्ट आपके पास है कंट्रोल यूनिट. इट इज़ द इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ सीपीयू. इस तरह की लाइंस आपको बिल्कुल लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने 3 to 4 लाइंस अगर आपने टू द पॉइंट लिखनी है तो आपने वो टू द पॉइंट ही होनी चाहिए. उनके अंदर इस तरह की चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट. हर कॉम्पोनेंट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है और इसीलिए आपको बताया जा रहा है. इसको आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे. इट एक्ट्स लाइक द सुपरवाइजर ऑफ द कंप्यूटर. इट डज नॉट एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस बाय इटसेल्फ. बेसिकली इसका काम क्या है, इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. इट परफॉर्म्स इट्स टास्क बाय इशूइंग नेसेसरी कमांड्स टू द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर. कंट्रोल यूनिट आल्सो प्रोवाइड्स द क्लॉक पल्सेस दैट आर यूज्ड टू रेगुलेट एंड कंट्रोल ऑल द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. अब सीपीयू क्या क्या परफॉर्म कर सकता है, ये मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस फेच कर सकता है, उस इंस्ट्रक्शन को डीकोड कर सकता है और उसके बाद उसको उसके को कंट्रोल कर सकता है उसके एग्जीक्यूशन को. यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना, कंट्रोल यूनिट एग्जीक्यूशन नहीं कर रहा, एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर रहा है. ठीक है, तो ये आपके पहले 3 टॉपिक कवर हो गए. उसके बाद आपने सिस्टम क्लॉक देखना है और पीसी प्रोसेसर को प्रोसेसर वगैरह. ये टॉपिक्स आगे ही इसी बुक के चैप्टर में आ जाएंगे. नेक्स्ट जो भी इनमें से हमारे पास टॉपिक रेलिवेंट आएगा हम उसको स्टडी कर लेंगे. अलबत्ता ये मशीन साइकिल आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने इसको काट दिया है. उसके बाद ये आप नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सिस्टम क्लॉक, और कोई टॉपिक इसमें नहीं है. सिस्टम क्लॉक इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट. इट जनरेट्स, यहाँ इसको भी आप यहाँ से स्टार्ट करें. सिस्टम क्लॉक जनरेट्स इलेक्ट्रिक सिग्नल्स एट अ फास्ट स्पीड. इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर यूजिंग क्लॉक टिक्स. दीज टिक्स ऑफ सिस्टम क्लॉक्स आर नोन एज क्लॉक साइकल्स एंड सेट द स्पीड ऑफ सीपीयू. अब जब हम किसी कंप्यूटर की स्पीड मेजर करते हैं कि ये इतने मेगा हर्ट्ज है, ये इतने गीगा हर्ट्ज है, तो उतनी मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड वो एग्जीक्यूट कर सकता है. इसको आपने ये सारी डिटेल्स की ये लिखनी है पहली 3 लाइन में जो भी गिवन है, और आगे ये मेगा हर्ट्स गीगा हर्ट्स के बारे में भी बताना है. इसमें आप देखते हैं दीज टिक्स ऑफ द सिस्टम क्लॉक्स आर नोन एज क्लॉक साइकिल एंड सेट द स्पीड ऑफ सीपीयू. कंप्यूटर क्लॉक कैन टिक फ्रॉम मिलियंस टू बिलियंस टाइम्स इन 1 सेकेंड, और इस स्पीड को ही हम क्लॉक स्पीड कहते हैं. और इस एक पर्सनल जो प्रोसेसर की स्पीड है, इसी वजह से मेगा हर्ट्ज गीगा हर्ट्ज में आपके पास जो है वो मैयर की जाती है. ये यहाँ तक पूरा पैराग्राफ आप कंप्लीट करेंगे. उसके बाद जो थर्ड पैराग्राफ है और मिप्स फ्लॉप्स में आपको इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद हम प्रोसेसर को देखते हैं, को प्रोसेसर को देखते हैं, रजिस्टर्स को देखते हैं. प्रोसेसर आगे को प्रोसेसर आगे आ जाएगा, ये वाले टॉपिक्स इसमें नहीं है, तो हम पेज वाइज में बुक के जो कंटेंट्स हैं उसके लिहाज से चल रही हैं. नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास यहाँ पर आ रहा है वो रजिस्टर्स है. हमने प्रोसेसर को प्रोसेसर प्रोसेसर तो बेसिकली आपने पढ़ लिया, जो सीपीयू है वही प्रोसेसर है. ठीक है, अब रह गया को प्रोसेसर, वो आगे आ जाएगा. और उसके अलावा 2 टॉपिक हमने जो हमारे पास तरतीब है उसमें से दूसरा टॉपिक जो हमने वो कूलिंग, प्रोसेसर की कूलिंग क्यों ज़रूरी होती है वो छोड़ा है फिलहाल, वो अभी भी आ जाएगा नेक्स्ट टॉपिक्स पे. अ रजिस्टर इज अ स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड सीपीयू, ये जरूर मेंशन करना है. और रजिस्टर्स आर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन बीइंग प्रोसेस्ड. जो इंफॉर्मेशन इसमें हम प्रोसेस करते हैं वो एक्चुअली आपने जो भी टास्क परफॉर्म करना है इमीडिएटली आपने उसे कहीं रखना है. जैसे हम यहाँ पर ये स्टडी कर रहे हैं तो हमारे पास ये टेक्स्ट बुक जो है वो हमने इसको कहीं रखा है, किसी जगह स्टोर किया है, तभी हम इसके मुताबिक प्रोसेसिंग कर रहे हैं. या आप अगर कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो आपके हाथ में पेपर पेंसिल होना चाहिए जिसपे आप अपनी इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करें. तो डेफिनेटली सीपीयू को भी जब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए उसने उसको रजिस्टर्स में टेम्परेरीली रखेगा. दीज आर टेम्परेरी स्टोरेज एरिया फॉर द इंस्ट्रक्शंस और डाटा. द टेम्परेरी रिजल्ट ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग इज आल्सो स्टोर्ड इन रजिस्टर्स. ईच रजिस्टर हैज़ अ प्री डिफाइंड फंक्शन. ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है. हर रजिस्टर का एक फिक्स साइज होता है. रजिस्टर जो है वो आपके पास
एक बिट का भी हो सकता है, टू बाय एक बाइट का भी हो सकता है, टू बाइट का भी, चार बाइट का, एक बाइट का, ये गिवन है साइजेस, ये सारे आपने देखने हैं, इसको याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास है इसकी जो मजीद कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है आपके पास, वो है इन सब रजिस्टर्स की डिटेल। इसकी डिटेल आपको एक एक लाइन पता होनी चाहिए। पहली बात है कि इन सब के नाम आपने याद रखने हैं कि कौन कौन से हैं। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स, पहली लाइन, द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर मेमोरी एड्रेस बीइंग यूज्ड बाय द सीपीयू। इतना काफ़ी है समझाने के लिए, मैं आपको डिटेल बता देती हूँ। आई होप सो कि आपको समझ में आ जाएगी बात, लेकिन आपने इसको लिखना नहीं है ज़्यादा, याद करने के लिए आपको ज़्यादा याद नहीं रखने की ज़रूरत, इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मेमोरी बफर रजिस्टर, ये आपके पास बफर होता है, टेम्परेरी स्टोरेज एरिया। तो मेमोरी बफर रजिस्टर जो है वो कोई भी जो किसी भी मेमोरी से डाटा आ रहा है उसको, इट इज यूज टू स्टोर द डाटा कम फ्रॉम द मेमोरी और गोइंग टू द मेमोरी। मेमोरी से डाटा लेने के लिए या मेमोरी में डाटा पहुंचाने के लिए यूज होता है। अब आगे जो लिखा है, इट इंश्योर्स दैट द प्रोसेसर मेमोरी वर्क विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय डिफरेंट ऑपरेशंस। आपको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है प्रोग्राम काउंटर, इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द सीक्वेंसिंग ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और नेक्स्ट लाइन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, इसी सेंटेंस को इस तरह भी लिखा जाता है, इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो ये इस तरह की चीजें आपके पास ऑब्जेक्टिव में आ सकती हैं। तो अगले, यानी अब इसकी डिटेल भी साथ साथ मैं आपको थोड़ी सी बताती जाती हूँ इसके आर्किटेक्चर में, कि सीपीयू के अंदर जो रजिस्टर्स होते हैं ये बेसिकली ये पूरा एक ब्लॉक डायग्राम होती है। वो अगर आगे आपके पास आ जाती है तो उससे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये बेसिकली सीपीयू का जो छोटी सी चिप होती है ना, उसके अंदर ये रजिस्टर्स हैं, उसी के अंदर डिफरेंट बसेस हैं, एड्रेस बस है, आपके पास डेटा बस है, कंट्रोल बस है, वो बसेस ही एक दूसरे से इनको कनेक्ट कर रही हैं। तो जब आपके पास फॉर एग्जांपल एक इंस्ट्रक्शन आई कि 2+2 को ऐड करना है, तो आपके पास मेमोरी एड्रेस रजिस्टर पे वो एड्रेस आएगा कि ये पहले वाला 2, फॉर एग्जांपल आपने 2+3 को ऐड करना है, तो 2 मेमोरी के किस एड्रेस पे पड़ा है वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में आ जाएगा, वो 2 इटसेल्फ डेटा के तौर पे मेमोरी के बफर रजिस्टर में आ जाएगा, और प्रोग्राम काउंटर में जो अगला 2 है, अगला 3 है, उसका एड्रेस आ जाएगा, या अगली इंस्ट्रक्शन अगर प्लस इंस्ट्रक्शन रीड होनी है तो उसका एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, कि ये जो इंस्ट्रक्शन मैंने कहा कि जैसे ऐड करना है, तो ये जो एडिशन का फंक्शन परफॉर्म होना है वो इंस्ट्रक्शन आपके पास आ जाएगी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज यूज टू स्टोर द इंस्ट्रक्शन दैट आर फेच्ड फ्रॉम द मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। अब IR में और प्रोग्राम काउंटर में थोड़ा सा फर्क है, जो करंट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में पड़ा है, जो बाद में इसके बाद एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस जो है वो प्रोग्राम काउंटर में पड़ा है। लेकिन ये देखिए दोनों जो है वो उसके पास पहले वाले के पास एड्रेस पड़ा हुआ है और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर करंट इंस्ट्रक्शन पड़ी है। इसका करंट का एड्रेस हमें रखने की जरूरत इसलिए नहीं है कि ये तो एग्जीक्यूट हो रही है, ये फेच होकर आ चुकी है। उसके बाद कुछ हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, इनकी भी आपने एक एक लाइन की डेफिनेशन याद रखनी है। एक्युमुलेटर रजिस्टर जो होता है ये इट इज़ यूज्ड फॉर अरिथमेटिक डाटा ऑपरेशंस, और यही रिजल्ट भी स्टोर करता है तमाम कैलकुलेशन का। अब यहाँ गिवन नहीं है तो आप इतनी डिटेल में बेशक मत जाएं। बेस रजिस्टर जो है, यही तमाम टॉपिक्स मैंने डिटेल के साथ फर्स्ट ईयर क्लास को पढ़ाए हुए हैं, उनके रेलिवेंट लेक्चर्स का जब मैं ये वीडियो वो यूट्यूब पर डालूंगी तो फर्स्ट ईयर के इन तमाम लेक्चर्स का मैं आपको लिंक दे दूंगी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। आपने उन वीडियोस को जाके वॉच कर लेना है ताकि ये रजिस्टर्स का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। वहाँ मैंने इसको आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन भी किया है, डायग्राम की फॉर्म में एक्सप्लेन किया है, वहाँ आपको ये बहुत डिटेल से समझ में आ जाएगा। यहाँ बेसिकली आप समझें कि आप ने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कितना प्रिपेयर करना है, उस लिहाज से मैं आपको अलग से ये बना रही हूँ लेक्चर। अदरवाइज मैं वही लेक्चर आपको दे देती, आप उसको देख लेते, लेकिन उसके अंदर बहुत डिटेल से मैंने समझाया है। अगर वो डिटेल्स आप यहाँ अपनी कोर्स में याद करने लगेंगे डिटेल्स, तो आपके लिए इतनी ज़्यादा डिटेल की में लिखने की ज़रूरत नहीं है और आपको समझ में भी नहीं आएंगी, क्योंकि आप कंप्यूटर आपका मेन सब्जेक्ट नहीं है,
आप इसको एक स्किल के तौर पे स्टडी कर रहे हैं। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। बेस रजिस्टर इट इज़ यूज फॉर अरिथमेटिक एंड डाटा मूवमेंट। इट हैज़ स्पेशल एड्रेसिंग कैपेबिलिटी। तो बेस रजिस्टर में भी बेसिकली आपके पास जो जो भी आपका एड्रेस होता है किसी भी मेमोरी का, उसका पहला आप कह लें कि इनिशियल एड्रेस जो होता है वो इसमें स्टोर होता है, लेकिन यहाँ पर आप यही लिखेंगे कि अरिथमेटिक और डाटा मूवमेंट के लिए यूज़ होता है। काउंटर रजिस्टर्स होते हैं आपके पास, ये काउंटिंग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल कि किसी चीज़ में वन बाय वन का इंक्रीमेंट करते जाना है, तो इनके आप सिर्फ नाम याद रखें, इनकी बेशक आप डिटेल भी याद ना रखें। डाटा रजिस्टर है जिसके अंदर आप डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। और इसी तरह आपके पास एड्रेस और सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं। सेगमेंट ब्लॉक ऑफ मेमोरी को कहते हैं, और एड्रेस या सेगमेंट रजिस्टर एक ही रजिस्टर है। दिस आर यूज टू स्टोर एड्रेस ऑफ द मेमोरी ब्लॉक्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड। दिस लाइन इज मोर देन इनफ कि इसके पास जिस भी इंस्ट्रक्शन की जिसको भी एग्जीक्यूट करना है उसका एड्रेस हमारे पास एड्रेस रजिस्टर में या सेगमेंट रजिस्टर में गिवन होगा। बेसिकली इतनी डिटेल में फर्स्ट ईयर के पास को भी नहीं बताया हुआ मैंने, उनकी उनके भी सिलेबस में इतनी डिटेल नहीं है, इसलिए ये बाकी जो आपके पास सेगमेंट रजिस्टर की डिटेल है इसको कम्प्लीटली आप काट दें। बाकी ये स्टैक कंट्रोल रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर्स, इन दोनों का मैं एक एक लाइन आपको बता देती हूँ, ऑल्दो कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं। स्टैक इज़ द सेट ऑफ मेमोरी लोकेशन, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। स्टैक रजिस्टर की जो है वो यहाँ से देख लें। स्टैक कंट्रोल रजिस्टर्स आर यूज टू मैनेज स्टैक्स इन द कंप्यूटर। और दो आपके पास इसमें होते हैं, SP होता है, BP होता है, बस आप इसको इतना याद रख लें, इसके अलावा आपने इसकी डिटेल में नहीं जाना। इसी तरह फ्लैग रजिस्टर्स जो हैं, दीज आर यूज टू इंडिकेट अ पर्टिकुलर कंडीशन। बस अब ये फ्लैग का क्या पर्पस है, जीरो कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग क्या है, कैरी फ्लैग क्या है, ये कंप्यूटर साइंस जो प्योरली जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक्स होते हैं। अभी मैंने आपको जैसे भी बताया था कि इसी वीडियो के पिछले हिस्से में कि प्रोसेसर कूलिंग का टॉपिक आपके पास आगे आ जाएगा, तो ये देखें आपके पास यहाँ मौजूद है प्रोसेसर की कूलिंग क्यों ज़रूरी होती है। ये आपके पास जब प्रोसेसर चलता है तो कम उसमें बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, उस हीट को अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो CPU के प्रोसेसर के डैमेज होने का खतरा होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि एक्सेसिव हीट कैन डैमेज द प्रोसेसर और कॉज द प्रॉब्लम। द कंप्यूटर प्रोवाइड्स कूलिंग सिस्टम फॉर द प्रोसेसर। अब वो कूलिंग सिस्टम में क्या होता है, एक हीट सिंक होता है, कूलिंग फैन होता है और लिक्विड कूलिंग सिस्टम्स भी यूज होते हैं, लेकिन बेसिकली आपके पास एक हीट सिंक और कूलिंग फैन, ये दो हिस्से होते हैं प्रोसेसर की कूलिंग के लिए। हीट सिंक का क्या पर्पस होता है, ये सिरेमिक मटेरियल से, ये मेंशन करना है आपने, सिरेमिक मटेरियल किससे बना होता है और ये प्रोसेसर चिप के बिल्कुल साथ अटैच्ड होता है। अब वो जो प्रोसेसर चिप के साथ अटैच्ड है तो उसकी कूलिंग को इमीडिएटली एब्जॉर्ब कर लेता है, उसकी हीट को एब्जॉर्ब करता है और उसके फौरन बाद उसके ऊपर फैन अटैच होता है, वो फैन उसको बाहर एग्जॉस्ट कर देता है। यहाँ डिटेल में नहीं जाना, मैनी हीट सिंक्स आर आल्सो हैविंग फैन, चलेंगे लिख दें बल्कि डिस्ट्रीब्यूट एंड डिसिपेट बाय द हीट सिंक, ये ठीक है, ये इसको आप लिखते हैं सारे के सारे को यहाँ तक। अब आपने आगे ये एक्टिव हीट सिंक और पैसिव हीट सिंक की डिटेल में नहीं जाना, यहाँ तक हीट सिंक तक आप इसके आंसर को प्रोसेसर कूलिंग के टॉपिक में जो आपके पास टॉपिक है उसको आप मैंशन कर सकते हैं। अब हमने रजिस्टर्स को भी कवर कर लिया, प्रोसेसर कूलिंग को भी कवर कर लिया। अब ये कूलिंग पैड्स हैं, इस पे आपने नहीं जाने की जरूरत, को प्रोसेसर को देख लेते हैं। को प्रोसेसर इज अ स्पेशल एडिशनल प्रोसेसर चिप दैट हेल्प्स द मेन प्रोसेसर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। द यूज ऑफ को प्रोसेसर इंक्रीज द परफॉर्मेंस इंक्रीजेस द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। और वैसे आपको बता, इसके साथ यहाँ ये मैथ्स को प्रोसेसर तक आप इसको लिख लें कि जैसे मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा CPU का टाइम लेती हैं तो उसके लिए अलग से एक को प्रोसेसर लगाया जा सकता है, इसी तरह कोई और डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए अलग से लगाया जा सकता है। तो को प्रोसेसर बेसिकली आप ये कह लें कि प्रोसेसर की हेल्प के लिए यूज़ होता है, मेन टास्क प्रोसेसर परफॉर्म कर रहा होता है और वो कुछ अपना टास्क जो है वो
को प्रोसेसर को असाइन कर देता है कि ये मेरा टास्क जो है स्पेसिफिक, और वो को प्रोसेसर बना ही इस पर्पस के लिए होता है उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अगला टॉपिक आपका यहाँ डेटा रिप्रेजेंटेशन है। इसको आप बेशक रीड ज़रूर कर लीजिएगा कि ये बिट्स होते हैं, क्या होते हैं बिट्स और बाइट्स, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। बेसिकली डेटा रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक तो है, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि ये कोड्स वगैरह किस तरीके से बनाए जाते हैं, बल्कि ये टॉपिक गालबन है। लेट मी चेक, प्रोसेसर, कोप्रोसेसर, प्रोसेसर कूलिंग, रजिस्टर्स, अब मेमोरी यूनिट है आगे। ये टॉपिक नहीं है आपके सिलेबस में, इसको मैं फ़िलहाल नहीं पढ़ाऊंगी। अगर ये आपके सिलेबस में हुआ तो मैं नेक्स्ट किसी जो लेक्चर है उसमें, उस रिकॉर्डिंग में इसको पढ़ा दूंगी। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है मेमोरी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मेमोरी का। इस मेमोरी के टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद जो हमारे पास रोम की टाइप्स हैं और कैशे वगैरह है, इसको हम अपने नेक्स्ट उसमें लेक्चर में देख लेंगे इंशाल्लाह। मेमोरी क्या चीज़ है? मेमोरी हमारे पास कंप्यूटर में वो एरिया है जहां हम कंप्यूटर के तमाम इंस्ट्रक्शन जो हमने यूज़ करनी है उसको स्टोर करते हैं, और इन इंस्ट्रक्शंस को हम, ये जो मेमोरी है इसको हम रैम कहते हैं। अभी हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको ये दिखाई है, तो आप इसी तरह से इसको आंसर को प्रिपेयर करेंगे। मेमोरी इज़ द एरिया ऑफ कंप्यूटर दैट स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू बी एक्सेस्ड बाय द प्रोसेसर, और उसके अलावा जो रिजल्ट एज वेल एज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग, रिजल्ट जो होता है वो भी मेमोरी में ही आके स्टोर होता है। इतनी डेफिनेशन आपके लिए काफ़ी है। उसका जो मेन स्ट्रक्चर है उसमें आपने बिल्कुल नहीं जाना, पहली तीन लाइंस तक ही आपने रहना है। अलबत्त फिर आपने उसकी टाइप्स में ज़रूर आना है कि मेमोरी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। यहाँ देर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी इन द कंप्यूटर दैट एज फॉलो, वोलेटाइल मेमोरी होती है और नॉन वोलेटाइल होती है। मेमोरी की टाइप्स एक और तरह से भी आपके पास आती हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ पर आप इसको अभी फ़िलहाल इस तरह से देखें कि ये प्राइम, बेसिकली ये अभी जो मेमोरी की बात कर रहे हैं, ये ओवरऑल देखा जाए तो ये प्राइमरी मेमोरी में आ रही है, प्राइमरी मेमोरी में, और जो सेकेंडरी मेमोरी है उसमें हार्ड डिस्क और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आते हैं। तो जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है उसमें भी हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। पहली टाइप हमारे पास होती है वोलेटाइल मेमोरी, यानी वो मेमोरी जो कंप्यूटर को अगर स्विच ऑफ कर दें तो वो उसमें डाटा लॉस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ लिखा है ये एज इट इज़, आपने इसको इसी तरह आप अपने एग्जाम में इसको राइट करेंगे। वोलेटाइल मेमोरी लूजेज इट्स कॉन्टेंट्स वेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, एंड रैम इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वोलेटाइल मेमोरी। और जो नॉन वोलेटाइल होती है वो कंप्यूटर को अगर आप टर्न ऑफ भी कर देंगे तो वो उसके अंदर डाटा लॉस नहीं होगा, और कंप्यूटर में आपके पास ये कहाँ पर आपके पास गिवन होती है, जो आप कंप्यूटर स्विच ऑन करते हैं तो आप जब उसको आपके पास एक ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन आती है, उस पर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, तो वो आपके पास बेसिकली रोम के अंदर डाटा पड़ा होता है, और वो हमेशा उसी जगह पड़ा रहता है और वो कभी भी चेंज नहीं होता, हमें उसको चेंज करने की ज़रूरत भी पेश नहीं आती। अब रैम के ऊपर अगर आपको कोई नोट लिखना आ जाता है तो रैम की डेफिनेशन भी आपको कम्प्लीट आनी चाहिए। यहाँ पर आप देखें, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर रैम पे, रोम पे, और ये रैम की टाइप्स और रोम की टाइप्स, इनके ऊपर ज़रूर आपके पास कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आपके सेमेस्टर सिस्टम में बहुत शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े थोड़े तीन तीन चार चार लाइन का आंसर रिक्वायर्ड होता है, तो इसलिए तकरीबन सारे टॉपिक्स उसके अंदर कवर हो जाते हैं, और सारा होते भी आप कह लें कि अगर आपका एग्ज़ाम होता है 35, उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम्पल आ जाते हैं आपके पास छोटे छोटे, तो दो दो लाइन के अंदर भी आपके पास जो है इन चीज़ों को पूछा जा सकता है। इसलिए आपने ये सारे टॉपिक्स को का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, और बेसिकली आपने इनको कवर भी करना है। तो रैम के बारे में आप ये बताएंगे कि रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और इसको हम डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, और उसके अलावा इस ये बेसिकली इसका पर्पज़ क्या होता है, जो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये आपके के लिए रफ वर्क जो आपका कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा होता है, ये वो एरिया होता है बेसिकली। इसीलिए इसको परमानेंटली स्टोर करने की ज़रूरत भी नहीं होती, और इसीलिए ये फास्ट भी होती है।
तो जैसे अभी हमने का अपने कंप्यूटर पर जितने प्रोग्राम्स ओपन किए हैं उनका रेलिवेंट डाटा जो है वो आपके पास रैम में पड़ा हुआ है, टेम्प्रेरी मेमोरी में पड़ा हुआ है। रैम इज वोलेटाइल मेमोरी, इट मींस दैट इट्स कंटेंट्स आर लॉस्ट व्हेन द, ये भी आपको मैंने बता दिया कि वोलेटाइल क्या होती है, ये भी आपने ज़रूर बताना है। और इसको मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी भी ज़रूर कहते हैं, यहाँ तक कि आपने पूरे का पूरा याद रखना है। और एक चीज़ भी आप और याद रखें कि रैम जितनी अप्रोप्रिएट होगी, ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा रैम होगी तो आपके कंप्यूटर की स्पीड जो है वो बहुत तेज़ होगी, और ये भी नहीं कह सकते कि बहुत स्मॉल होगी तो कंप्यूटर की स्पीड जो है वो बहुत कम कम होगी तो उससे तो स्पीड कम होगी। लेकिन बिगर का जो यहाँ मेंशन है, बिगर रैम साइज प्रोवाइड्स लार्जर अमाउंट ऑफ स्पेस फॉर प्रोसेसिंग, ये आपके पास जो है इसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा रैम जो है वो भी अप्रोप्रिएट नहीं होती। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको इसी तरह दूंगी कि अगर आपके पास लेट्स से कि आपने कुछ टास्क परफॉर्म करना है, किसी एक सब्जेक्ट की असाइनमेंट बना रहे हैं और आपको उसके लिए 5 हेल्पिंग बुक्स चाहिए, तो अगर आप 5 की 5 हेल्पिंग बुक्स एक साथ ओपन कर लेंगे तो आपके लिए उनको रीड करना मुश्किल है। अगर एक एक करके वो बुक्स आप ओपन करेंगे, अपने सामने रखेंगे, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन लेंगे और उसके बाद उसको बंद करके दूसरी बुक खोलेंगे तो आपके लिए उस इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करना और एब्जॉर्ब करना ज़्यादा आसान है। तो इसलिए आपके पास रैम की उतनी ही अप्रोप्रिएट साइज़ होना चाहिए कि जितनी टेम्परेरीली फाइल्स को ओपन करके कंप्यूटर की स्पीड अफेक्ट ना हो। अगर कंप्यूटर सारे के सारे जितना डाटा हार्ड डिस्क पे पड़ा है वो सारे को ही उठा के रैम में ले आएगा तो रैम भी स्लो हो जाएगी, फिर कंप्यूटर स्लो हो जाएगा, फिर रैम में से डाटा तलाश करना भी मुश्किल हो जाएगा। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाते हैं कि ये आपने सारा तकरीबन इसमें कवर करना है, यहाँ तक स्पीड ऑफ कंप्यूटर तक आप ज़रूर लिख लें। नेक्स्ट इसकी टाइप्स देखें, टाइप्स को आपने एक एक लाइन में याद रखना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैम आर एज फॉलोज, आपके पास इसमें डायनेमिक रैम है, स्टैटिक रैम है और उसके बाद ये मैग्नेटो रेजिस्टिव रैम है, इसको आप छोड़ दें, इसको आप बेशक ना मेंशन करें, ये बहुत एडवांस टॉपिक है। आप टू ही टाइप्स लिखते हैं, डायनेमिक रैम एंड स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम क्या होती है, अब यहाँ पर आप देखिए कि कोई भी चीज़ जो होती है ना, जिसको हम कह सकते हैं कि 100% ना ट्रू है ना फॉल्स है, इस सेंस में कि अब अगर यहाँ पर आप कहें कि रैम की तो हमने ज़्यादा टाइप्स देखी हैं, लेकिन हम क्यों कह रहे हैं कि दो टाइप्स हैं, इसलिए कि आपने अपना स्कोप भी देखना है कि आपको किस हद तक आपने उसकी आपका लेवल क्या है। बेसिकली जो आपको कंप्यूटर स्किल्स पढ़ाया जा रहा है, आपने ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को ना याद करना है ज़्यादा, ना आपने इसकी ज़्यादा डिटेल में जाना है, तो इसलिए आपको जो मोस्ट कॉमनली यूज चीज़ें हैं वो बताई जा रही हैं। तो डायनेमिक रैम जो है उसको आप देखेंगे इट इज़ यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर, और ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर क्या चीज़ है, द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ डी रैम डिक्रीजेज विद द टाइम दैट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ डेटा, ये रिचार्ज होती है, रिफ्रेश्ड होती है अगेन एंड अगेन। ये सबसे इसके अंदर की लाइन जो है कि डायनेमिक रैम जो है वो बार बार रिफ्रेश होती है और प्रोसेसर जो है वो इसकी कैन नॉट एक्सेस द डाटा ऑफ डायनेमिक रैम देन इट इज़ बीइंग रिफ्रेश्ड। ये लाइन आखिरी वाली दो लाइनें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू में आप बताएंगे ये डायनेमिक इसका मतलब क्या है डी रैम का, कि ये डायनेमिक होती है, और यहाँ से आप इसका बताएंगे कि इसमें इसकी वजह से ये स्लो होती है क्योंकि इसमें बार बार डाटा रिफ्रेश होता है, और जब वो रिफ्रेश हो रहा होता है उस वक्त सीपीयू उसको एक्सेस नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ये स्लो होती है। ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जा सकता है कि डायनेमिक रैम स्लो क्यों होती है। स्टैटिक रैम में आ जाएं और इसको रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं है, इसकी पहली लाइन में ही बता दिया है, इसको इसी से ये आप लिख लीजिएगा, इट कैन स्टोर डाटा विदाउट एनी नीड ऑफ फ्रीक्वेंटली रिचार्जिंग, CPU does not need to wait to access the data, इसकी वजह से ये फास्ट होती है, और उसके अलावा जो है it utilizes less power than the dynamic RAM, क्योंकि static RAM को बाद बार बार refresh करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए वो power भी जो है वो कम use करेगी। यहाँ tabular form में इसका आपके पास comparison given है, आप वो ज़रूर कर लीजिएगा। आप ये मेमोरी मॉड्यूल ये हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, सिम और डिम ये मैं आपको नहीं करवा रही, ये बहुत ज़्यादा डिटेल है, बहुत इन डेप्थ है।
नेक्स्ट रॉम का आपके पास टॉपिक है, इसको इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। शॉर्ट शॉर्ट से लेक्चर रखते हैं, शॉर्ट वीडियोस आपके लिए देखना भी आसान होंगी और उनको रिपीट करना, अंडरस्टैंड करना भी आसान होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।